हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च कल की बात आज एपिसोड नंबर 104, यानी कि इसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक ईगल आई देखते हैं कि किस लेवल से बाई कर सकते हैं, किस लेवल पे सेल सकते हैं, कल की क्या रणनीति होगी। आइए, और आज मजे की बात है गाइस, लास्ट में मैं आपको एक एक स्टॉक का आपको कॉस्ट देने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप अपना बाय और सेल डिसाइड कर सकते हो, और एक लर्निंग वाला चार्ट भी आपके लेके आया हूं, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पुराना जो हमने कल बताया था, कल की बात आज में, और आज देखो किस तरह से काम हुआ भाई। कल मैंने क्लियर कट आपको बोला था 870 के ऊपर, नोटिस करिएगा 870 के ऊपर मैंने आप लोग को क्या बोला था बताइए। What I told you, 870 के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 11,870 हडल था, और 870 के ऊपर इट विल जूम टू किस 11,970। और भाई मजे की बात, आज गैप डाउन गैप अप तो ऊपर हुआ और एग्जैक्ट उसी के आसपास हुआ जो हमने लेवल प्रेडिक्शन किया था 870 के आसपास, और नीचे ऊपर पूरा का पूरा एक रेंज में रहा मार्केट, और फिर लास्ट में हल्का सा स्लाइट जो गैप अप था उसी को मेंटेन करके क्लोज हो गया, राइट। तो हमारे लेवल इतने पावरफुल नहीं चल पाए, मतलब ना बाई हुआ ना सेल हुआ, उसी लेवल पे था ऑलमोस्ट, वहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही 11,878 के आसपास क्लोज हो गया। तो आप क्या बोलेंगे इसमें। अच्छा, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का भी आप खुद अपनी आंखों से अपने हमारे लेवल्स देख लीजिए, क्लियर कट बोला गया था, यस क्रूशियल सपोर्ट फॉर इंट्राडे 23,356, वंस ब्रेक 23,356 का अगर ब्रेक होता है तो ही हमें सेल करना है, और ऊपर का जो हडल था 23,870, तो नीचे तो आया नहीं 350 के साथ, अब ऊपर का जो हडल था 87956। मेरे बड़े भाई गो एंड चेक मार्केट, आज जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो स्पॉट खुला है 23,900 के आसपास खुला है, और 956 के ऊपर क्लियर कट बाई था, वहां से रॉकेट अप मेड अ हाई 24,300, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की चाल प्योर इंट्राडे। ये हडल्स जो मैं बोलता हूं ऐसे ही हवा में नहीं बोलता हूं कि हाँ कुछ भी ऊपर दे दिया, भैया दुनिया आपको सिर्फ सेल का बोलेगी और इसके नीचे सेल का बोलना छोड़ दे, नहीं भाई, मैं आपको दोनों पहलू बताता हूं कि बाई चांस कल जो हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कल आज जैसे कि मार्केट गैप अप खुला, नाउ व्हाट यू विल डू, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हर्डल्स। अगर इस पर अटकती है, इस पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ भी लेवल्स आते हैं, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूं, और एल्स इसके ऊपर क्रॉस कर रहा है तो जो हर्डल अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा। डोंट यूज योर ब्रेन, फॉलो किंग रिसर्च टेलीग्राम, मैं आपके लिए बैठा हूं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पैसा हम बना के रहेंगे, एक दिन नहीं, एक दिन लॉस होगा, दो दिन लॉस होगा, कोई टेंशन मत लो, झक मार के पैसा बनाएंगे, इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना। चलिए, और आपको मैं ले चलता हूं अब एडवांस की लेवल, यानी कि 20 अक्टूबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डेट है 19 अक्टूबर, निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी अपडेट्स लास्ट क्लोज 11,000 क्या है, 11,000 लास्ट क्लोज 11,895, और स्पॉट में जो क्लोज हुआ 11,878, ये फ्यूचर का लेवल। यस, बिलो 11,870 ओनली थिंग फॉर द पैनिक, अपसाइड हर्डल 970, 12,047, बार बार मेरे लेवल्स चेंज नहीं होते, प्लीज कीप नोट डाउन माय लेवल्स ऑन योर डायरी, 10 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करो, समझ में आएगा। वंस ब्रेक 830, यानी कि 11,830 का लेवल टूटेगा, देन विल सी स्लाइड अप टू 11,670, राइट। बट गाइस कल हो सकता है, ध्यान से ट्रेड करना, 870 के नीचे पहला कैंडल रेड और 870 के नीचे जाएगा, 830 के नीचे जाएगा तो ही हम सेल करने सोचेंगे, टिल देन यू कैन वेट एंड वॉच, मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 24,235, यस कीप आई ऑन लोअर लेवल्स, लोअर साइड पे अगेन बैंक निफ्टी ऑन वेरी हाई मैनिपुलेशन इज रनिंग इन दिस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी काउंटर, नाउ बिलो 24,156 स्टे एटलीस्ट फॉर 15 to 30 minutes, देन ओनली थिंक फॉर सेल विद स्टॉप लॉस 24,470, पैनिक स्लाइड अप टू 23,670, 23,356,
ये लेवल्स पिछले हफ्ते भी दिए थे और अभी दोबारा आपको मैं दे रहा हूं, अराउंड दीज लेवल्स, लोअर लेवल्स और लोअर टारगेट्स वी विल थिंक फॉर द दोबारा बाई करने का सोचेगा। इसी लेवल को मैंने पिछले हफ्ते बोला था, वहां से देखो बाउंस बैक आया, इस बार मैं आपको दोबारा यही लेवल्स बोल रहा हूं कि अगर लोअर लेवल आता है तो हम फिर से बाई करना सोचेंगे। यानी कि मार्केट जो रेंज में है, दिमाग नहीं लगाना, उस रेंज में चलना तो उसी रेंज में ही हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं कोटक बैंक पे, नजर रखना 1375 1355, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विद स्टॉप लॉस 1333, टारगेट अप टू 1400 1450 1500 तक का टारगेट है इसमें। आप इसको एज ए इंट्राडे भी कोशिश कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, आपका 10-15 हज़ार का प्रॉफिट है इंट्राडे में, तो आप प्लीज बुक करके लीजिए। और एज एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करके, जो प्रॉफिट है लॉस है वो आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ एक एजुकेशन के लिए भी मैं आप लोग के लिए लाया हूं। ये जो चार्ट है ये पिडिलाइट इंडस्ट्री का है, ठीक है। तो गाइस, एक बटिस्टा, दो बटिस्टा, तीन बटिस्टा, चार बटिस्टा, पांच बटिस्टा, ये क्या है बटिस्टा? यस, ये वही है WWF या WWE में जो आप नाम सुनते हो, वही है जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ये चार्ट मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजा है, उसी के माध्यम से मैंने आपको चिपका दिया यहाँ पे कि भैया लो, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, सीखने की कोशिश करो सिंपल प्योर प्राइस एक्शन चार्ट को माध्यम से, खुद एनालिसिस करने की कोशिश करो, आपको किसी किंग रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी एक्स वाई जेड यूट्यूबर की या फिर ब्लू चैनल एनालिस्ट वालों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मोटो लर्न एंड देन अर्न, और मेरे भाड़े 1535 के अबव अगर क्लोज करता है, 1700 तक के लेवल यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के भी टारगेट आपको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में देख सकता है। कीप ईगल आई इन दिस पर्टिकुलर काउंटर, यस डेली चार्ट है, प्लीज खुद घर पे जाइए बनाइए, हमारे इस वीडियो को बार बार देख के आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप हाथ से बनाओ, तब सीखने को मिलेगा, तब आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, तब आपको लाइफ में ग्रो कर पाओगे, राइट। तो गाइस, अगर आप भी इसी तरह के चार्ट बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सिंपल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, इंट्राडे हंटिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, प्लस कैसे हम निफ्टी के एडवांस लेवल्स निकालते हैं वो सीखना चाहते हो, तो गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 17 नवंबर का ऑनलाइन क्लास है, ये 10 दिन की क्लास है, एक दिन दो दिन नहीं है, 10 दिन की क्लास है। रात को 9 बजे से 10:30-11 बजे की क्लास होती है, और इसमें हैंड होल्ड सपोर्ट मिलता है आपको, यानी कि मेंटर्स के माध्यम से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, मेरे अंडर में आपको गाइडेंस मिलता है कि, और प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीखने को बहुत कुछ है। मैं इस क्लास में ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी देने की कोशिश करता हूँ, 5 से 6 स्ट्रैटेजी अपार्ट फ्रॉम दिस मैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो मोर फोकस है, कैसे बड़े ऑपरेटर से बचा जाए और किस तरीके से स्टॉक मार्केट के चार्ट के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कब हमें बाई करना है और कब अवॉइड करना है, ट्रैपिंग है। दिस इज ब्यूटीफुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन ओनली थिंक फॉर द अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी मिल रही है, लेवल समझ में आ रहे हैं और आपको हेल्प हो रही हो, 10 से 12 यूट्यूब में ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी दी है, जिसमें कैमरिला स्ट्रैटेजी है, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी है, 920, 925, 930, नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी, वीकली धमाल, वीकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी, अपार्ट फ्रॉम दिस CPR के ऊपर मैंने इक्विटी के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई है, बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लीज़ गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड चेक इन यूट्यूब, फ्री 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 मैंने आपको दिया और बहुत पावरफुल है, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग का इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, लाइक दबा दिए, शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को ज्यादा से ज्यादा चैनल में सब्सक्राइब शेयर करो, सो दैट फ्री में लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेवल्स मिल सके। और हमारा जो मंत्र है लर्न एंड देन अर्न, उसको हम लोग मोटिवेट कर सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल मिलते हैं 9:15 पे। अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए और अच्छा 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 ही सोचिए। थैंक यू।